नमस्कार दोस्तों, अहंकारी की बातों को कभी दिल से ना लें। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त होता है। जो अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करता है, वही दूसरों की मेहनत की कद्र करना जानता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 23 अक्टूबर दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में वह कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर आपकी भी मिथुन राशि है, आप भी जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, आज सोमवार है, आज भगवान भोलेनाथ का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। आज की तिथि है नवमी। आज का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। सूर्योदय 6:27 AM, सूर्यास्त 5:44 PM। सूर्य राशि सूर्य तुला राशि पर है। अभिजीत मुहूर्त 11:43 AM से 12:28 PM। आज का चाणक्य विचार। भले ही आपको आचार्य चाणक्य की नीति और विचार थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। भागदौड़ भरी जिंदगी में आप इन विचारों को नजरअंदाज ही क्यों ना कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में विवाह गृहस्थी मनुष्य के जीवन को लेकर कई अहम बातें बताई हैं। ऐसे में आज हम चाणक्य के इन्हीं विचारों में से एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नियां कभी भी अपने पति से कुछ बातें शेयर नहीं करती हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें। चाणक्य के अनुसार महिलाएं अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में नहीं बताती हैं, क्योंकि पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी के जीवन में उनसे पहले कोई था। चाणक्य जी का कहना है कि ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं अपने सीक्रेट क्रश के बारे में अपने पति को नहीं बताती हैं। औरतों को घर की लक्ष्मी कहते हैं। अगर उसके पास थोड़े भी पैसे होंगे तो उसमें से वो कुछ ना कुछ जरूर बचा कर रखेंगी, और जब भी घर या पति के सामने कोई आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होती है तो पत्नी के बचाए पैसे ही पति के काम आते हैं। पत्नियां ये बचत अपने पति से छिपा कर रखती हैं। चाणक्य नीति कहती है कि पत्नियां कभी अपने पति से शेयर नहीं करती हैं कि वो कैसा रोमांस चाहती हैं और उनकी क्या इच्छा है। अक्सर महिलाएं किसी न किसी तरह की छोटी या बड़ी बीमारियों से परेशान रहती हैं, लेकिन पत्नी जल्दी अपनी बीमारी के बारे में अपने पति को नहीं बताती है। पत्नी को लगता है कि बेवजह पति परेशान होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्यादातर महिलाएं किसी न किसी को मन ही मन पसंद करती हैं, लेकिन इस राज को वह किसी के सामने नहीं खोलना चाहती। दोस्तों, यदि चाणक्य नीति आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशिफल। आज दिन की शुरुआत अच्छी होगी। छात्रों का आज कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है जिससे करियर में बदलाव आएगा। अगर आप नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उसकी प्लानिंग के लिए आज का दिन शुभ है। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर मिल सकता है। नियमित खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूरतमंद को भोजन कराएं। आज आपसे कोई प्यार का इजहार कर सकता है, हो सकता है आप भी उसे लाइक करते हो। नए रिश्तों की शुरुआत अच्छी होगी। आज कुछ भी हो, अपने कार्यालय व सार्वजनिक स्थान में झगड़ा करने से बचें। आप बस अपने गुस्से पर काबू रखें और परेशानी से बचें। आपके कार्य की सराहना होगी। कई दिनों से रुके हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदेशी संस्थान से छात्रवृत्ति या प्रवेश संबंधी खबर की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिलेगी। आपको आर्थिक मामलों में दोस्तों की मदद मिल सकती है। चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में फंसने से बचें। समय अच्छा बीतेगा, बशर्ते आप तनाव से दूर रहें। जब आप अकेलापन महसूस करें तो अपने परिवार की मदद लीजिए। आज आप में से कुछ की रचनात्मकता चरम सीमा पर होगी। धन संबंधी मामलों को समझदारी से निपटाया जाना चाहिए। व्यवसायिक संदर्भ में आप अपने लाभ के लिए संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। आप विचारों को विकसित करने के लिए अवसरों की खोज में समय और ऊर्जा का निवेश कर सकते हैं। परिवार के साथ बहुप्रतीक्षित यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में कड़वाहट आ सकती है, यह आपको मानसिक रूप से क्षीण कर सकता है। आज का दिन लाभ देने वाला है। इस राशि के लोगों को आज धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आज आपके विचारों को ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। भविष्य के लिए आज लिया गया खास निर्णय आगे चलकर कारगर साबित होगा। आज आपको अधिक प्रेम और सम्मान मिलेगा। सूर्य को जल अर्पित करें। आज कोई भी फैसला हड़बड़ाहट में ना लें। आप आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको भाई बहनों के द्वारा मदद मिलेगी। आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आज आपको नौकरी में तरक्की के अवसर मिलने वाले हैं। आपका विनम्र जो स्वभाव है वो दूसरों को आकर्षित काफी करेगा। कार्य में असमानता रहेगी और कुछ असफलता आपके मन में असंतोष तथा निराशा जगाएगी। पुराने मित्रों से आप संपर्क कर सकते हैं।
मीठे खान पान के प्रति रुझान बढ़ सकता है, रहन सहन कष्टदायी हो सकता है। सामाजिक रूप से ख्याति प्राप्त होने से आज व्यवसायिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लाभदायी दिन है। आज किसी से अधिक विवाद ना करें, आर्थिक रूप से आप अच्छा करेंगे और कुछ महंगी चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं। भूमि में आज निवेश संभव है, व्यवसायिक रूप से दिन शुभ है। जिस प्रोजेक्ट और असाइनमेंट पे आप वर्तमान में काम कर रहे हैं वे भविष्य में नई संभावनाओं को खोल सकता है। कार्यस्थान को पुनर्गठित करना या घर को पुनः व्यवस्थित करने की योजना पर आप काम कर सकते हैं। भाई बहनों के बीच आज तनाव कुछ पड़ सकता है जिस कारण पारिवारिक माहौल तनावग्रस्त रह सकता है। किसी पारिवारिक सदस्य की अकस्मात बिगड़ती स्वास्थ्य की स्थिति आपको परेशानी में डाल सकती है। आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आज आप किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आज आपको किसी अपने से ही धन की प्राप्ति होगी। जरूरी कामों में जीवन साथी का योगदान कारगर साबित होगा। इस राशि के लोगों को आज घरों से बाहर निकलने पर सावधानी पूर्वक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। आज घर से बाहर निकलने से पहले घर में किसी कन्या का आशीर्वाद लेकर निकलेंगे तो निश्चित लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की जरूरत है। विरोधी व प्रतिद्वंदी नरम पड़ेंगे। धन यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। मित्रों से सहयोग लेना पड़ सकता है। किसी महिला के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। मन अशांत रहेगा। आपके मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रहेंगे। आपका व्यवहार धीमा चलेगा। जोखिम ना उठाएं। संतान पक्ष की आपको कुछ चिंता बनी रहेगी। खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सजग होकर सही मौके का इंतजार करें। घर को सजाने संवारने के लिए अपने खाली समय का उपयोग करें। आज आय अच्छी रहेगी लेकिन बेकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। आपको अपने करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अथक परिश्रम उपरांत आप परिस्थितियों पर काबू पा पाएंगे। आज भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखें और भावनाओं को अपने निर्णयों पर निर्धारित न करने दें। निष्पक्षता बनाए रखें। व्यवसायिक एवं आर्थिक संदर्भों में यात्रा आपको नवीन अवसर प्रदान कर सकती है। आज आप किसी पुराने परिचित से अचानक ही मिल सकते हैं। परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का समय मिलेगा। आज आपका दिन उत्साहपूर्ण रहेगा। आज आपका समय दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बीतेगा जिसके आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आज आपको समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कारोबारियों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आप पिछले कुछ दिनों से हुई गलतियों को सुधार कर रुके हुए कामों में आगे बढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आज आप कामकाज के लिए जरूरत से ज्यादा दबाव बनाएंगे तो लोग भड़क सकते हैं। सेवा का फल मिलेगा। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में सफल होंगे। आज आप अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस करेंगे। आज आपका अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझलाहट भी पैदा करेगा। जीवन साथी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करेगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। आप विपरीत लिंग के प्रति आज आकर्षित हो सकते हैं। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। लोगों से संपर्क साधने की कोशिश आप करेंगे। वित्तीय रूप से आज के दिन आपके लिए काफी शुभ है और कुछ महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति भी संभव है। उद्यमी और व्यवसायी एक नए संज्ञा साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने दृष्टिकोण से वित्तीय लाभ अर्जित करने के नवीन स्रोत ढूंढ पाएंगे। व्यक्तिगत संबंधों में खुशी और आनंद की प्राप्ति होगी। आपका सामाजिक जीवन आज अस्त व्यस्त रहने वाला है। पारिवारिक जीवन यथावत रहेगा किंतु बुजुर्ग और बच्चे आपके समय की अधिक मांग कर सकते हैं। आपका अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है लेकिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से आज आप बचे रहें। समय रहते ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मित्रों आज आपका शुभ अंक है 5। शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए गाय को गुड़ खिलाएं। मित्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।